हल्का सा दुपट्टा सरकने पर अपनी नज़र झुका लेते हैं वो, बिना हमारी नज़रों में देखे हमारी हर बात को समझ जाते हैं वो। हल्का सा बुखार आने पर, हल्का सा बुखार आने पर सारा जहां उठा लेते हैं वो। हम जल्द ठीक हो जाएं इसलिए नंगे पाँव मंदिर जाते हैं वो, इसलिए नंगे पाँव मंदिर जाते हैं वो। हमारा हर ख्वाब पूरा हो इसलिए अपना हर ख्वाब भूल जाते हैं वो। हमारी हर खूबी को बताने के लिए अपनी खूबी तक को भूल जाते हैं वो, अपनी हर खूबी तक को भूल जाते हैं वो। हमारा हर वक्त सुनहरा हो इसलिए अपना कीमती वक्त भी हमें दे जाते हैं वो, इसलिए अपना कीमती वक्त भी दे जाते हैं वो। हमारा हर पल खास हो इसलिए हर सुनहरे पल की मीठी यादें दे जाते हैं वो, मगर फिर भी ना जाने क्यों दिल की बात इकरार करने से डरते हैं वो। ऐसे हैं वो, ऐसे हैं वो। बहुत शुक्रिया। अगला है रंग रूप को लेकर। मेरे सामने रंग को मेरी कमजोरी बताने वाले, तुम होते कौनो फ्री का ज्ञान बांटने वाले। बिना चोट के घाव देने वाले, बिना चोट के घाव देने वाले, तुम होते कौन हो लाल रंग मत पहनना ये कहने वाले। रब ने मुझे ऐसा ही बनाया है, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो फिर तुम होते कौन हो घर से मत निकलना ये कहने वाले। बहुत शुक्रिया। मेरी काबिलियत को बिना परखे फैसला सुनाने वाले, तुम होते कौन हो तुम इस काबिल नहीं हो ये कहने वाले। तुम होते कौन हो तुम इस काबिल नहीं हो ये कहने वाले। मेरे सामने रंग को मेरी कमज़ोरी बताने वाले, तुम होते कौन हो फ्री का ज्ञान बांटने वाले। बहुत शुक्रिया। तो एक और है, सब सुख दुख को लेके। सब लेकर बैठे हैं अपने अपने दुख, कौन पूछे किसकी क्या है पीड़ा, क्योंकि हर इंसान बांट रहे हैं सबके सुख। आगे सुनिएगा। दर दर भटक रहे हैं सबके दुख, कहीं आसरा न मिला ना मिला कोई आशियाना, क्योंकि घर घर घूम रहे हैं सबके सुख, क्योंकि घर घर घूम रहे हैं सबके सुख। वो पहली मुलाकात, जब चांद उगाता आंगन में, चांदनी की बौछार थी, हल्की सी बारिश थी, बहुत सुहानी वो रात थी, क्योंकि वो मुझसे मिलने पहली बार मेरी छत पर आई थी, क्योंकि वो मुझसे मिलने पहली बार मेरी छत पर आई थी। हल्की सी मुस्कान के साथ फिर वो शर्माई थी, नज़रें झुका के कुछ तो कह रही थी, अपने मीठे अल्फाजों में मन ही मन वो गुनगुना रही थी, मन ही मन वो गुनगुना रही थी। जब भी उसके पैरों की पायल छन छन कर रही थी, मानो जैसे मेरे घर आंगन में किलकालियाँ गूंज रही थी, मानो जैसे मेरे घर आंगन में किलकालियाँ गूंज रही थी। बहुत छोटी वो मुलाकात थी, हम भी कुछ नहीं बोले थे, वो भी कुछ नहीं बोले थे, फिर भी बहुत सुहानी वो रात थी, क्योंकि वो मुझसे मिलने पहली बार छत पे आई थी। बहुत शुक्रिया। सब्र मेरी जान, कितना इम्तिहान लोगे हमारा, बस बहुत हो चुका, अब तो पीछा छोड़ो हमारा, और मुश्किल सफ़र को दोस्त बने दो हमारा, आप यहाँ से हो जाओ 9 to 11। सब्र का फल मीठा होता है, ये पाठ ना पढ़ाओ दोबारा, क्योंकि इन सबसे वास्ता है हमारा बहुत पुराना, बहुत पुराना।